स्टडी जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम कौन से कैरियर ऑप्शन करें, ठीक है। तो एक तो हम आपको ये क्लियर कि अगर आप कैरियर ऑप्शन कौन कौन से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें जुडिशरी अगर आप सेलेक्ट से आपके क्या एडवांटेजेस रहेंगे। साथ ही यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि वेरियस अदर कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी आपको उसमें समझ में आए। तो आज के इस क्लास में हम जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि अदर एक्ट है उनको भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। एक ब्रीफ रिवीजन भी रखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 1 से लेके 75 तक। तो हमारी 1.5 आवर की वेबिनार है, इस लिमिटेड टाइम पे हम करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कुछ नई चीजों के बारे में समझें। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि आप सभी जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। आप सबको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कि जो हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के अंदर डिफाइन है। दो पार्ट में डिफाइन है आपका, एक में आपका जनरल प्रिंसिपल है सेक्शन 1 से लेके 75 तक, एंड सेकंड पार्ट 24 से 238 में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को डील करता है। जो आपके बाकी सेक्शन थे जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रेड कलर से हाइलाइटेड हैं सेक्शन 76 से 83, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के मन में कि मैम क्यों एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज जो सेल्स ऑफ गुड्स के प्रोविजन इंडियन एक्ट में थे वो सफिशियंट नहीं थे किसको बताने के लिए, सेल्स ऑफ गुड्स के प्रोविजन को बताने को सफिशियंट नहीं थे, ठीक है। इस वजह से हमारे पास एक सेपरेट एक्ट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। वहीं सेक्शन 239 से 266 में पार्टनरशिप के प्रोविजन थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 11 में, बट ये जो हमारे प्रोविजन थे ये प्रोविजन भी सफिशियंट नहीं थे पार्टनरशिप को कंप्लीटली डिफाइन करने में। राइट नाउ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 74 सेक्शन में डिफाइन है, और अगर आप काउंट करके देखिए 239 से लेके 266 तो टोटल 27 सेक्शन बने। आप खुद इससे गेस कर सकती हैं कि हम जो बात 74 सेक्शन में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं वो 27 सेक्शन में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और मेजर ड्रॉबैक था जो इन सेक्शंस के अंदर, वो सबसे ड्रॉबैक ये था कि पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया। इस डिफिशियंसी को ओवरकम किया गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 58 में। आपके मन में क्वेश्चन आता है कि मैम रजिस्ट्रेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर पार्टनरशिप फर्म, लेकिन आपका मैं मानती हूँ कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर हम रजिस्ट्रेशन कराते तो वेरियस डिसेबिलिटीज को फेस करते हैं, तो कह सकते हैं इनडायरेक्टली रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज मैंडेटरी। 69 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपको बताता है कि अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको क्या क्या ड्रॉबैक फेस करने पड़ेंगे। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ में बताया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है। 1 से 75 में आपका जनरल प्रिंसिपल है, 120-38 में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इंडेमिनिटी गारंटी बेलमेंट प्लेज और एजेंसी है। बाकी के जो सेक्शन थे अब राइट नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से रिपिल यानी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। डिफरेंट तरीके से अब हम लोग इसको थोड़ा सा और पढ़ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन H दो थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट वन इज एग्रीमेंट, अनदर वन इज इन्फोर्सिबल, ठीक है। फिर आप सबको पता है कि सेक्शन 2E के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट के लिए हमें रिक्वायरमेंट है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। तो यहाँ पे आपको मैंने एक चीज क्लियर करी कि जो सेक्शन 2H है वो ये कहता है कि जो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाई लॉ है वही आपके कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे, बाकी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको टू थिंग्स की रिक्वायरमेंट है, एक एग्रीमेंट, इन्फोर्सिबिलिटी बाई लॉ। और एग्रीमेंट के लिए आपको कितनी चीजों की जरूरत है, रिक्वायरमेंट रहेगी। अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल जिसे हम कनेक्ट करेंगे लिमिटेशन एक्ट के साथ, जिसे हम कनेक्ट करेंगे इंस्ट्रूमेंट एक्ट के साथ,
जिसे हम कनेक्ट करेंगे आपके रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो ये आपको आज की क्लास में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को एक डिफरेंट तरीके से जा रहा है। क्वेश्चन, यहाँ पे जॉन कौन है? एक ऑफरर है। जॉन ने ऑफर किया पीटर को कि मैं प्यार में आपको अपना घर बेचना चाहता हूं। जॉन ने यहाँ पे जो ऑफर दिया, ये ऑफर एक स्पेसिफिक ऑफर था। आप सभी जानते हैं स्पेसिफिक ऑफर केवल वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसके लिए बनाया गया है, जबकि जनरल ऑफर पब्लिक एट लार्ज में कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। केस लॉ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी आप सभी ने पढ़ा होगा जनरल ऑफर के लिए। तो पर ये ऑफर कौन सा स्पेसिफिक ऑफर है? इस ऑफर पे आप देख रहे हैं, मैंने अपनी एक डेट लिखी है 26 अप्रैल को फोन के थ्रू उसने ऑफर दिया था, ठीक है। पीटर ने भी 26 अप्रैल को एक्सेप्टेंस दे दी फोन पे। तो ऑफर आया, एक्सेप्टेंस हो गया, कंसिडरेशन भी है। ऑफर कंसिडरेशन है 1 CR, ऑफरी के लिए कंसिडरेशन है हाउस। यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना, ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बना। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एज यू नो 2 टाइप्स के हैं, वर्बल या फिर रिटन। तो यहाँ पे आपको फोन का दिख रहा है, ये एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट बना। इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, क्योंकि प्रॉपर्टी की ओनरशिप जॉन के पास थी। जॉन ने वॉलेंट्री अपना घर सेल किया है पीटर को कंसिडरेशन, और वॉलेंट्री ने भी विदाउट कोरिजन उसकी एक्सेप्टेंस दी है। सेकेंड स्टेप, यहाँ पे अब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका ओरल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ठीक है। अब पीटर के पास पैसे नहीं थे, ध्यान से सुनना। एक तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा कैसा बना, ओरल बना, और दूसरा पीटर के पास पैसे थे। दो एग्जांपल चीजें जोड़ रही हूं। तो सबसे पहले तो ध्यान से सुनना, जो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा ओरल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ठीक है, ये हम इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908, उसका सेक्शन 17 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी कहता है, क्या कहता है, भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। अगर हम उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो अकॉर्डिंग टू द सेम एक्ट ऑफ सेक्शन, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो प्रॉपर्टी है। मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, सिर्फ इसका रिप्लाई करिएगा मुझे, केवल यस और नो में। जॉन और पीटर के बीच में जो ये कॉन्ट्रैक्ट बना था, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट आपका सही कॉन्ट्रैक्ट था, करेक्ट था? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल करेक्ट बना था या इनकरेक्ट था? रिप्लाई करिए। जॉन और पीटर के बीच में जो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचने का जो कॉन्ट्रैक्ट बना था, ये कॉन्ट्रैक्ट गुड इन सब्सटेंस था, सही कॉन्ट्रैक्ट था? यस स्टूडेंट, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। आर्यन ने कहा यस, आर्यन की तरफ से आया है यस मैम, ठीक है। कपिल कांत की तरफ से रिप्लाई आ रहा है नो। तो आपने ही दो करें, एक यस और एक नो। अगर आर्यन आप मुझे रिप्लाई करिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट सही है, इन्फोर्सेबल है, इसका भी रिप्लाई करिए। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है, यस? और कुछ स्टूडेंट ने रिप्लाई करा ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कह के बुलाएंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कह के बुलाएंगे? आपने पढ़ा होगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कह के बुलाएंगे? अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा गुड इन सब्सटेंस, यानी सही बना है, अच्छा बना है, बट इसमें लॉ की कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं। इसमें लॉ की कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं। जब तक वो लॉ की टेक्निकल डिफिकल्टीज फुलफिल नहीं हो जाएंगी, यानी हम उसे रिमूव करके सही लॉ की जो भी रेमेडीज है वो नहीं आ जाएंगी लीगल कंप्लायंसेस, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। एक केस लॉ था तरसम सिंह वर्सेस सुखविंदर सिंह का, एक केस लॉ है आपका, केस लॉ का नाम है तरसम सिंह वर्सेस सुखविंदर सिंह। के केस लॉ में कहा गया था कि आप चाहे कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में भी बना सकते हैं,
है ना, वर्बल भी बना सकते हैं, इम्प्लाइड भी बना सकते हैं. इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपका वो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में ही हो, यानी एग्रीमेंट आपका राइटिंग में हो, ऐसा जरूरी नहीं है. लेकिन अगर कहीं पे लॉ कहता है तो फिर हमें उसे राइटिंग में लाना इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ पे जो आपके सामने मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, फ्री कंसेंट भी है, कंसिडरेशन भी है, ये कॉन्ट्रैक्ट गुड इन सब्सटेंस है. ये कॉन्ट्रैक्ट आपका कैसा है? गुड इन सब्सटेंस, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है. बट ड्यू टू सम टेक्निकल डिफिकल्टीज, कौन सी टेक्निकल डिफिकल्टीज? लॉ की टेक्निकल डिफिकल्टीज के कारण ये अनइन्फोर्सेबल है. तो इसे इन्फोर्स कराने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें जो भी लॉ की लीगल कंप्लाइंसेस है उन्हें फुलफिल करेंगे. तो इंडियन जो हमारा एक रजिस्ट्रेशन एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 17 का सबसेक्शन क्लॉज भी कहता है कि अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं तो उसका राइटिंग में होना मैंडेटरी है, साथ ही वो रजिस्टर्ड होना जरूरी है. अगर वो आपका रजिस्टर्ड नहीं होता है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49 आपके पास उसका कोई एविडेंस नहीं आएगा. तो आप एक बात समझ गए अच्छे से. तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, इम्प्लाइड भी कर सकते हैं. बट अगर कहीं पे लॉ ने आपको कहा है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट को लाना मैंडेटरी है. आपके पास ये बेयर एक्ट होता होगा इस तरीके से, ठीक है? आप जब इस बेयर एक्ट में पढ़ते होगे तो इसका एक सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 10. सेक्शन नंबर 10 हमारे दो पैराग्राफ के अंदर डिफाइन किया गया है. कितने में डिफाइन किया गया है हमारा सेक्शन नंबर 10? दो पैराग्राफ के अंदर हमारा डिफाइन किया गया है, ठीक है? तो जो पैराग्राफ नंबर 10 का सेकेंड वाला है वो साफ साफ कहता है, इधर देखो, नथिंग हियर इन कंटेन शेल अफेक्ट एनी लॉ इन फोर्स नॉट हियर बाई एक्सप्रेसली रिपील बाई एनी कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन राइटिंग. यानी कि जब तक लॉ नहीं कहता है तब तक आपको कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में करने की कोई जरूरत नहीं है. अगर जहां लॉ कह दे तभी आपको कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में करने की जरूरत है. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कौन सा लॉ बोल रहा है? रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 17 के सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी कह रहा है कि आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर परचेज करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है. और रजिस्ट्रेशन किसी ओरल कॉन्ट्रैक्ट का तो हो ही नहीं सकता, उसे हमें राइटिंग में लाना पड़ता है, ठीक है? तो अब हमें जो ये कॉन्ट्रैक्ट हमने फोन पे बनाया था, वर्बल बनाया था, इसे हम राइटिंग में रिड्यूस करेंगे, हम रजिस्टर्ड कराएंगे. अगर हम रजिस्टर्ड नहीं कराते तो अकॉर्डिंग टू 49 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट हमारे पास कोई एविडेंस नहीं आता कि ये प्रॉपर्टी पीटर की है, ठीक है? आप लोगों ने ही पढ़ा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 के अंदर क्या पढ़ा होगा? सेक्शन 2 के अंदर ये जो जे है, ये देखो, ए कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इस तरीके से वेरियस डेफिनेशन पढ़ी है. तो यहाँ पे ये आपने पढ़ा है, एक तो 2H में हमेशा ध्यान में रखना, एग्रीमेंट बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, एक हमारे पास एग्रीमेंट होना चाहिए और एक इन्फोर्सेबल बाई लॉ होना चाहिए. ये बात हमारी कहाँ पर लिखी है? 2H के अंदर ये लिखा, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई लॉ कॉन्ट्रैक्ट. तो आपका हर एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय जो लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. यहाँ पे जॉन और पीटर वाला एग्जाम्पल भी कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट आपका गुड इन सब्सटेंस, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, बट लॉ की लीगल कमी के कारण ये इन्फोर्सेबल नहीं हो पाया, ठीक है? नेक्स्ट आप लोगों का वापस से सेम टॉपिक पे चलते हैं. इसे अब मैं लिमिटेशन एक्ट से कनेक्ट कर रही हूँ. किससे कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग? लिमिटेशन एक्ट से. एक क्वेश्चन है, यहाँ पे पीटर ने जो जॉन से वो घर खरीद रहा है, 1 CR की पेमेंट करनी है. तो जो 1 CR की पेमेंट करनी है तो यहाँ पे पीटर के पास इतना अमाउंट नहीं है. पीटर ने 40 लाख रुपए का लोन लिया किससे? एक्स पर्सन से. एक्स पर्सन का हम एक नाम दे देते हैं, मोहन, ताकि याद रहे. कब लिया ये लोन? आज लिया. ध्यान से सुनिएगा, आज उसने लोन लिया. अब मोहन कहता है, पीटर मैं तुम्हें अमाउंट दे दूंगा 40 लाख का, पर क्या गारंटी है कि तुम मेरा पैसा मुझे वापस करोगे टाइम पे? ठीक है,
वर्बल का तो कोई एविडेंस होता ही नहीं है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्बल का कोई एविडेंस होता ही नहीं है। उसने किसने, पीटर ने कहा कि मैं काम करता हूं, मैं प्रोमिसरी नोट लिख देता हूँ, मैं प्रोमिसरी नोट लिख देता हूँ, ठीक है, तब तो आपके पास तो प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है, डेटर बनाता है, तो पीटर यहाँ पे कौन हो गया, डेटर हो गया। तो आप देखते चलो कितने वर्ड्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं, ऑफरी भी लिखा हुआ है और जब ये एक्सेप्टेंस कर लेता है तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, प्रोमिसरी भी लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब ये लोन ले रहा है, किससे लोन ले रहा है, मोहन से, तो अब प्रोमिसरी नोट लिख रहा है, तो यहाँ पे पीटर हमारा कौन हो गया, लोन ले रहा है तो डेटर, और जो लोन दे रहा है वो कौन हो गया, क्रेडिटर हो गया, ठीक है। प्रोमिसरी नोट जब ये बना रहा है तो प्रोमिसरी नोट का कौन हो गया, ये मेकर हो गया, प्रोमिसरी नोट का ये कौन हो गया, मेकर हो गया, ठीक है, ड्रॉवर हो गया, ठीक है, प्रोमिसरी वाला, ठीक है। अब ये खुद लिख करके दे रहा है कि भाई मैं 40 लाख रुपए का लोन किससे ले रहा हूँ, मोहन से ले रहा हूँ, आज की डेट लिखेगा, इंटरेस्ट रेट लिखेगा, किस डेट पे वो लोन वापस करना है वो डेट भी वो खुद लिख रहा है, फिर साथ में सिग्नेचर भी करेगा। और प्रोमिसरी नोट लिखने के बाद वो प्रोमिसरी नोट किसे रिटर्न कर दिया जाएगा, मोहन को, क्योंकि मोहन के पास क्या आ गया, एविडेंस आ गया है, ठीक है। अब ये 40 लाख रुपए किसने ले लिए, यहाँ पे पीटर ने ले लिए, 40 लाख रुपए की पेमेंट वो किसको करेगा, जॉन को करेगा, और साथ में 60 लाख रुपए की भी पेमेंट किसको करेगा, जॉन को करेगा, यानी टोटल 1 CR की करेगा ना। दोनों अलग अलग मैंने क्यों बोले, क्योंकि 1 CR की करनी है, पीटर के पास 60 लाख रुपीज थे तो पीटर ने 60 लाख की पेमेंट एक करी और 40 लाख रुपीज की पेमेंट एक कर दी, तो टोटल 1 CR इसके पास आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल लिया है प्रॉपर्टी का लिया है, इमूवेबल का, एक बात बताओ, इमूवेबल प्रॉपर्टी का हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जहां पे भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उस सब डिस्ट्रिक्ट के सब रजिस्ट्रार के पास हम जाएंगे। सब रजिस्ट्रार के पास कौन जाएगा, जॉन भी जाएगा और पीटर भी जाएगा, दोनों लोग जाएंगे, ठीक है। तो पीटर जो यहाँ पे पेमेंट करेगा, तभी तो उसे पेमेंट करनी चाहिए जब जॉन सिग्नेचर कर दे, और जॉन भी सिग्नेचर केवल तभी करेगा जब पीटर पेमेंट कर दे। अगर मान लो पीटर ने सारी पेमेंट रजिस्ट्री से पहले कर दी और कोई एविडेंस नहीं है पीटर के पास और जॉन मना कर दे, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि नहीं। तो जब हम लोग प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं सब रजिस्ट्रार के पास, उसी समय पीटर क्या करेगा, कहते हैं ना एक हाथ दे एक हाथ ले, तुम प्रॉपर्टी के उस पेपर पे साइन करो सेल डीड पे कि ये प्रॉपर्टी अब तुम मेरे नाम कर रहे हो, एंड पीटर उसे कहेगा मैं साइन कर दूंगा तुम मुझे पैसे दे दो, तो सारे पैसे उसे दे देगा। वहां पर एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे कई बार जो ह्यूमन बीइंग होता है, जो इंसान है, उसके पास सारा पैसा व्हाइट मनी में नहीं है, ठीक है। उसने कुछ पैसा, उसको 20 लाख रुपए उसने कहा था मैं तुम्हें पहले दे दूंगा और 80 लाख रुपए तुम्हें बाद में दूंगा, ठीक है। अगर यहाँ पर पीटर ने नहीं दिए हैं और 80 लाख का केवल वो चेक दे रहा है उस समय, तो क्या गारंटी है पीटर बाद में पेमेंट करे। तो जॉन भी यहाँ पे चेक कर लेगा जब सिग्नेचर कर रहा है कि पीटर उससे पहले उसे 20 लाख रुपए दे दे, ठीक है। तो ये बातें आपको मैंने वेरियस अदर एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ कनेक्ट करके बताई, एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ बताई। अब सुनना, आगे चल रहा है टॉपिक कंटिन्यू। जॉन ने डेट डाली थी कब की, 1 जनवरी 2022 की, कि वो पैसा, सॉरी जॉन नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, पीटर ने डेट डाली थी 1 जनवरी 2022 की। पीटर ने कौन सी डेट डाली थी, 1 जनवरी 2022 की डेट डाली थी कि मैं आपसे जो लोन लिया है 40 लाख का वो वापस कर दूंगा। किसको वापस कर देगा वो, मोहन को। मोहन कौन है, क्रेडिटर है। अब अगर वो 1 जनवरी 2022 को वो डेट थी, उस डेट पे लोन वापस ना करे, तो पीटर पे सूट फाइल कर सकता है। आंसर है यस, मोहन पीटर पे सूट फाइल कर सकता है। क्वेश्चन क्रिएट हुआ कितने टाइम पीरियड में सूट फाइल कर सकता है, तो लिमिटेशन एक्ट बता के चलता है इसके लिए 3 साल के अंदर अंदर पीटर पे मोहन सूट फाइल कर सकता है। तो काउंट करके चलो,
1 जनवरी 2022 की डेट थी, उस डेट को आप एक्सक्लूड कर दो। 2 जनवरी 2022 से काउंटिंग करना, 2 जनवरी 2022 से जब हम काउंटिंग कर रहे हैं, 3 साल की काउंटिंग कर लो, ठीक है। तो 2000 जनवरी 2022 से हम 23, 24, 25, यानी दो आप मान के चलो जनवरी 25 में जो भी डेट आप कैलकुलेट करके लाओगे, उस डेट तक आपके ऊपर मुकदमा दाखिल किसने नहीं करा? मोहन ने सूट फाइल नहीं किया। अब क्या होगा? अब मोहन का सूट फाइल करने का जो राइट था वो खत्म हो गया। ये बात सेक्शन 3 में लिखी है लिमिटेशन एक्ट के, पर साथ में लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 3 में ये भी कहा जाता है कि ठीक है कि मोहन कोर्ट में जाके पेटर पे सूट फाइल नहीं कर सकता है, बट कोर्ट के बाहर उसका जो लोन अमाउंट दिया था वो मांगने का पूरा राइट वो रखता है। क्लियर? बात आ गई 2026 की। कब की बात आ गई? 2026 की बात आ गई, ठीक है। आपके मन में बहुत सारे सवाल आ गए होंगे, मैम क्यों उसने मुकदमा दाखिल नहीं किया? नहीं करा, उसकी मर्जी, एक्स वाई जेड, वेरियस रीजन, उसे पैसे की जरूरत नहीं थी, भूल गया, कुछ भी हो सकता है, पर इग्नोरेंस ऑफ लॉ का कोई एक्सक्यूज नहीं है। लिमिटेशन एक्ट यही कह के चलता है कि जो आपकी ड्यू डेट है उस डेट को आप एक्सक्लूड कर दो, उसके नेक्स्ट डे से काउंटिंग करोगे 3 साल की। उसके अंदर अगर क्रेडिटर ने डेटर पे सूट फाइल नहीं करा तो क्रेडिटर का डेटर पे सूट फाइल करने का राइट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट खत्म हो जाएगा, बट कोर्ट के बाहर उसका पैसा मांगने का राइट बना रहेगा, क्योंकि पैसे तो उसने दिए थे ना। 2026 में मोहन के बेटे की शादी थी। वक्त है, अप एंड डाउन चलता रहता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। पहले वो भूल गया, उसे पैसे की जरूरत नहीं थी, अरबपति था, कुछ भी रीजन लगा, जेड, ठीक है ना। 2026 की बात है, मोहन की बेटी की शादी थी, उसे पैसे की जरूरत थी, उसे याद आ गया कि भाई उसने पीटर को ऐसे ऐसे इस डेट पे 40 लाख का लोन दिया था, ठीक है, लेकिन उसे ये भी पता था कि अब वो कोर्ट में जाके सूट फाइल नहीं कर सकता है। पीटर 1 जनवरी 2026, सॉरी, मोहन 1 जनवरी 2026 को किसके घर पे गया? पीटर के घर पे गया और जा है कि ये पकड़ो मेरी बेटी की शादी का कार्ड, मेरी बेटी की शादी, हम तो बहुत अच्छे दोस्त है ना, जब तुम्हारा बुरा वक्त था मैंने तुम्हें 40 लाख रुपए दिए, ठीक है मैं तुमसे पैसा वापस नहीं लिया, वो जो भी रीजन रहा, पर आज मुझे पैसे की जरूरत है, आज मुझे पैसे की जरूरत है, तुम मेरा ये 40 लाख रुपए वापस करो वरना मैं पुलिस में जाऊंगा। देखो ध्यान से सुनना वर्ड, वरना मैं पुलिस के पास जाऊंगा, ठीक है। अब पीटर डर गया, टीचर के मन में डर लगा, यार पुलिस के पास जाएगा, पुलिस मेरे घर पे आएगा, फालतू में मेरी डिफामेशन होगा। तो पीटर ने क्या करा? पीटर ने कहा कि भाई ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात, पीटर ने कहा कि भाई एक काम करता हूँ, मेरे पास देखो सच में 40 लाख रुपए नहीं है, पर मेरे पास 30 लाख रुपए, मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दे सकता हूँ, ठीक है। तो से वापस मोहन कहता है, क्या एविडेंस है कि तुम मुझे 30 लाख रुपए दोगे? बताओ, कोई एविडेंस दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास। तो पीटर कहता है, मैं एक प्रॉमिसरी नोट बना देता हूँ, उस प्रॉमिसरी नोट में मैं लिख देता हूँ कि 1 फरवरी 2026 को आपके पास 30 लाख पेमेंट कर दी जाएगी, ठीक है। यस तनिष, बोलते रहना, ठीक है। तो वहां पे एक डेट टाइम पीरियड डाल दिया, मैं क्वेश्चन पूछूंगी आप सबसे, बस पहले एक बार आप सुन लो। 1 जनवरी 2026 को, 1 जैन 2026 को एक प्रॉमिसरी नोट किसने वापस लिखा? पीटर ने लिखा। कितने अमाउंट के लिए लिखा? 30 लाख रुपीज के लिए लिखा। प्रॉमिस लिख करके उसने किसको दे दिया? क्रेडिटर को दे दिया। पर अब वो क्रेडिटर कौन है हमारा? भाई मोहन, पुराना वाला है, ध्यान रखना। क्वेश्चन अगले दिन, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे सारे। नेक्स्ट डे पीटर मॉर्निंग वॉक पे गया, वहां पे वो अपने एक फ्रेंड था जो बाय प्रोफेशन एडवोकेट था, उसने अपने दोस्त को मॉर्निंग वॉक पे सारी सिचुएशन बताई। तब जो उस पीटर का दोस्त था जो बाय प्रोफेशन एडवोकेट था, उसने कहा कि बेवकूफ, ठीक है, उसने कहा कि बेवकूफ, तुम ये प्रॉमिसरी नोट नहीं भी बनाते तो क्रेडिटर तुम्हारे अगेंस्ट पुलिस में नहीं जा सकता था, बिकॉज ये लोन टाइम बार हो चुका था। लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग वो पे 3 साल के अंदर सूट फाइल कर सकता था जो ड्यू डेट थी, लेकिन उसने तुम पर 3 साल के अंदर सूट फाइल नहीं किया,
इसलिए वो तुम्हारे ऊपर सूट फाइल करने का राइट नहीं रखता था। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है आप सबसे, क्योंकि आपने सेक्शन 25 का सबसेक्शन 3 पढ़ा होगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूरा बनाया। अब मुझे ये बताओ, ये जो नया प्रॉमिसरी नोट लिखा गया है, क्या ये वैलिड है, हाँ या ना? ये जो नया प्रॉमिसरी नोट पीटर ने 1 जैन 2026 को लिखा है, क्या ये वैलिड है, यस और नो? रितिका ने रिप्लाई करा है नो। रितिका के अलावा अदर स्टूडेंट रिप्लाई कर रहे हैं, यस मैम ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड है। रितिका, अब आप ही मुझे बताओगे कि ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड क्यों नहीं है? बाकी सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही लिखा है, कंप्लीटली वैलिड है, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ का कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये एक नया प्रॉमिसरी नोट बना है टाइम बार डेप्ट के लिए, टाइम बार डेप्ट के लिए बना है। क्या पुलिस के पास जाना कोरिजन है? क्रेडिटर ने कहा था मैं पुलिस के पास जाऊंगा, क्या कोई कोरिजन है? वैभव ने लिखा है नो। करण ने लिखा है यस, पुलिस के पास जाना कोई कोरिजन नहीं है, कोई धमकी नहीं है। क्या कहा था क्रेडिटर? मोहन ने यही तो बोला था कि भाई तुम मेरा पैसा मुझे वापस कर दो, वरना मैं किसके पास जाऊंगा, पुलिस के पास जाऊंगा। उसने ये थोड़ी ना कहा था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या तुम्हारे हाथ पैर तोड़वा दूंगा, उसने यही तो कहा था कि मैं भाई पुलिस के पास जाऊंगा। ठीक है, उसने ऐसा ही बोला, उसने कोई थ्रेटनिंग नहीं करी थी। ठीक है, अगर मान लो कोई मेरे को परेशान कर रहा है, मैंने क्या कहा कि भाई मान जाओ नहीं तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी, तो बताओ क्या मैंने कोई कोरिजन करा? नहीं ना, मेरा राइट है। अगर मुझे लग जाए कि मेरे साथ कोई ऑफेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं जाके पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च करवा सकती हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं हुआ, यहाँ पे कोई भी थ्रेटनिंग नहीं की गई, कोई कोरिजन नहीं था, आपके सेक्शन 15 का कोई यूज नहीं हुआ था यहाँ पे। ठीक है, और सेकेंड थिंग, आपका जो यहाँ पे ये जो प्रॉमिसरी नोट लिखा गया था, ये भी वैलिड माना जाएगा। एक और क्वेश्चन, क्या इस प्रॉमिसरी नोट में कोई नया कंसीडरेशन था, या टाइम बार अमाउंट जो हो गया था उसी के लिए लिखा गया था? क्या ये जो प्रॉमिसरी नोट बना था 1 जनवरी 2026 को, क्या इसमें कोई नया कंसीडरेशन था, यस और नो? कुछ बच्चे यस दे रहे हैं आंसर, कुछ दे रहे हैं नो दे रहे हैं। अब इनमें से एक आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है। जितने बच्चों ने नो बोला था वो कौन थे? नो वाले वापस लिखें। जिन्होंने नो बोला था वो स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 30 लाख रुपए कोई नया कंसिडरेशन नहीं है, मुस्कान ने बोला था, यशवीर ने बोला था। मुस्कान और यशवीर दोनों बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं, बाकी सबके गलत हैं। याद होगा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो हमारा सेक्शन 25 है, सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कह के चलता है, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। बिना कंसीडरेशन के जो भी एग्रीमेंट किए जाते हैं वो वॉइड होते हैं। इसको लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, जरा मुझे बताना? एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड, ये बात हमारी सेक्शन नंबर 25 में कही गई है। इसे लैटिन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? मुस्कान, यशवीर एंड अदर स्टूडेंट, करण क्या कहेंगे? गलत आंसर। तो फिर इसका मतलब एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड, इसको लैटिन लैंग्वेज में नडम पैक्टम कहते हैं। आप लोगों ने जो आंसर लिखा है वो आप लोगों ने आंसर किसके लिए लिख दिया? वॉइड एग्रीमेंट के लिए लिख दिया, वॉइड एग्रीमेंट के लिए लिख दिया। या आप कहना चाहते हो कि माइनर के साथ जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो वॉइड एब इनिशियो होते हैं। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाह रही थी, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड कोई लैटिन लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट करोगे? तो आंसर है नडम पैक्टम, NUDUMPACTUM, NUDUMPACTUM।
तो सेक्शन 25 हमारा कह के चलता है स्टूडेंट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बट साथ में सेक्शन 25 में कुछ एक्सेप्शन बताते हैं जहां पे बिना कंसिडरेशन के भी एग्रीमेंट हमारा वैलिड होता है। सेक्शन 25 के सबसेक्शन 1 में आपको नेचुरल लव और अफेक्शन के बारे में बताया गया है। सेक्शन 25 के सबसेक्शन 2 के अंदर आपको पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज के बारे में बताया गया है। सेक्शन 25 के सबसेक्शन 3 के अंदर आप लोगों को टाइम बार डेप्ट के बारे में बताया गया है। तो सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 का ही यहाँ पे यूज किया गया है। सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई टाइम बार डेप्ट के लिए अगर डेटर दोबारा से प्रोमिसरी नोट लिख देता है, चाहे फुल अमाउंट के लिए चाहे वो पार्शियल अमाउंट के लिए लिखे, साथ में अपना साइन कर देता है, तो ऐसा हमारा प्रोमिसरी नोट वैलिड होता है और इसमें कोई नया कंसिडरेशन नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन लिखा गया है। आपको याद होगा 40 लाख रुपए मोहन ने कब उधार दिए थे, 40 लाख रुपए मोहन ने उधार दिए थे आज के डेट पे, जिसकी पेमेंट कब करनी थी, 1 जनवरी 2022 को। लेकिन 1 जनवरी 2022 को डेटर ने पेमेंट क्रेडिटर को नहीं की, क्रेडिटर के पास राइट आ गया था 2 जनवरी 2022 से विद इन अ 3 ईयर सूट फाइल करने का। एट रीजन से क्रेडिटर ने डेटर पे सूट फाइल नहीं किया। अब क्रेडिटर का डेटर पे सूट फाइल करने का राइट क्या हो गया, खत्म हो गया, टाइम बार हो गया। लेकिन ये बात सेक्शन 3 में कही है, लिमिटेशन, लेकिन कोर्ट के बाहर वो पैसा मांग सकता था। 1 जनवरी 2026 को क्रेडिटर ने डेटर से अपना वही पैसा मांगा जो टाइम बार हो गया था, तो डेटर ने टाइम बार जो लोन हो गया था उसी लोन के लिए 30 लाख रुपए के लिए एक प्रोमिसरी नोट बनाया था। इसलिए ये जो प्रोमिसरी नोट बना है ये टाइम बार लोन के लिए बना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 और इसमें कोई नया कंसिडरेशन नहीं है। रिप्लाई करो जो मैंने बोला, ये बात क्लियर हुई आपको, यस और नो? मुझे रिप्लाई करो जो मैंने अभी आप लोग को बोला, ये टॉपिक क्लियर हुआ, यस और नो? करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए रहे हो आप लोगों का सबका, यस मैम, समझ में आ गया। तो अभी लोगों ने देखा, मुझे ऑनेस्टली बताना, आप लोगों ने देखा एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल बनाया। बेटे एक मंजीत ने क्रॉस क्वेश्चन रेज करा है, मंजीत कह रहा है क्या मैम फाइनली वो जो 30 लाख वाला जो प्रोमिसरी नोट बना है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? आप ही लोग रिप्लाई करो एक वर्ड में, यस और नो, एक ही वर्ड में रिप्लाई करो, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है, यस और नो? आधे बच्चे बोल रहे हैं नो, आधे बच्चे बोल रहे हैं यस। जिसने नो बोला है उसके अलावा बाकी सारे बच्चों का आंसर सही है, यस। ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कि जो नया कॉन्ट्रैक्ट बना है ये पुराने कंसिडरेशन के लिए बना है, टाइम बार लोन के लिए बना है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा प्राची ने, क्या मैम क्विड प्रो क्यू एप्लीकेबल होगा? आप लोग रिप्लाई करो हाँ या ना, यही तो मैंने समझाया था अभी, क्या क्विड प्रो क्यू एप्लीकेबल होगा हाँ या ना? जो ये नया प्रोमिसरी नोट बना है, आपका नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, क्या इसमें क्विड प्रो क्यू एप्लीकेबल है? पहले तो मुझे क्विड प्रो क्यू को इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, क्योंकि ये तो लैटिन भाषा हमने यूज करी है। क्विड प्रो क्यू का मतलब क्या है, सही आंसर बाकी लोग बताएं, प्राची के अलावा बाकी लोग, सब लोग सही लिख रहे हैं। कंसिडरेशन तो मैंने अभी तो आपको बताया था, इसमें क्विड प्रो क्यू एप्लीकेबल नहीं होगा, यस नहीं आंसर, आंसर आएगा नो, क्विड प्रो क्यू एप्लीकेबल नहीं है। ये जो नया प्रोमिसरी नोट लिखा है ये कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, लेकिन ये पुराने टाइम बार लोन के लिए बना है, तो इसमें ये बिना कंसिडरेशन के बना है। मुझे रिप्लाई करो, जिस जिसने अपना क्रॉस क्वेश्चन पूछा था वो क्लियर है, यस और नो? जिस जिसने अपना ये क्वेश्चन पूछा था, क्रॉस क्वेश्चन क्लियर है? अब मैं दोबारा से पूछूंगी ताकि आपका यस नो सबका एक जैसा है, या तो नो सबका एक जैसा है या फिर यस एक जैसा है। जितना मैंने पढ़ाया था उतना पूछ रही हूँ,
जल्दी जल्दी मुझे रिप्लाई करना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा कितने पार्ट में डिवाइडेड है? मैंने आज की क्लास में पढ़ाया था इसलिए पूछा है। स्टूडेंट मुझे रिप्लाई करो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा कितने पार्ट में डिवाइडेड है? काजल ने रिप्लाई करा है दो पार्ट में डिवाइड है। जनरल प्रिंसिपल कौन से सेक्शन में लिखे हुए हैं? जनरल प्रिंसिपल हमारे कौन से सेक्शन में लिखे हैं? जनरल प्रिंसिपल हमारे कौन से सेक्शन में लिखे हैं? करेक्ट आंसर 1 से 75। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हमारे कौन से सेक्शन में लिखे हैं? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हमारे कौन से सेक्शन में लिखे हैं? करेक्ट आंसर विपुल का 124 से 238। क्लियर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अर्लियर टोटल कितने डिफाइन था? राइट नाउ तो ये सेक्शन है, टोटल कितने सेक्शन थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? सेक्शन पूछ रही हूं काजल, ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या है। टोटल सेक्शन पूछे हैं मैंने 266। दीक्षा ने, सुमित ने करेक्ट रिप्लाई करा है। कौन कौन सी सेक्शन करंट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिपील कर दिए गए हैं? कौन कौन सी सेक्शन रिपील कर दिए? रिपील माने जो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहे। करेक्ट आंसर अंकिता का 76 से 123 के जो सेक्शन थे वो रिपील कर दिए हैं और उसके लिए अब सेपरेट एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, और कौन से सेक्शन अब नहीं है यहाँ पे? करेक्ट आंसर है मंजीत का, दीक्षा का, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन लिखा था, अभी आप लोग एक बार आंसर रिप्लाई करना बंद करो, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। किसी ने कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछा है? जिसने क्वेश्चन पूछा वो दोबारा टाइप कर सकता है क्या? क्योंकि मुझे पूरा क्वेश्चन विजिबल नहीं हो रहा। देन आई हैव राइट टू मेक सूट फॉर दैट पेमेंट, बस इतना ही क्वेश्चन है या कुछ और भी लिखा हुआ था यहाँ पे? दोबारा से पूछे, जिस भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था वो फिर से पूछे, वापस से यहाँ पे पेस्ट कर दो, बस अब कोई कुछ मत लिखना। एक स्टूडेंट है वो जानना चाहता है, न्यू प्रोमिसरी नोट ऑफ पेमेंट देन इट्स प्रोमिस कंसीडर बाय इट डील देन इट इज पॉसिबल दैट पार्टी अगेन डिनाय पेमेंट देन व्हाट कैन आई डू। आगे एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन पे अभी हम थोड़ी देर बाद आते हैं। चलिए अब आप लोग मुझे बताओगे, चलते हैं वापस। 1 जनवरी 2026 को किसने पेमेंट किसने लिखा प्रोमिसरी नोट? डेटर ने लिखा। 1 जनवरी 2026 को डेटर ने प्रोमिसरी नोट लिख दिया। पेमेंट कब करनी है? 1 फरवरी 2026 को। प्रॉमिसरी नोट है पर बिना कंसीडरेशन के, ये टाइम बार डेप्ट के लिए है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब अगर 1 फरवरी 2022 को पेमेंट ना करे डेटर तो क्रेडिटर 2 फरवरी 2026 से 3 साल के अंदर सूट फाइल कर सकता है। आखिरी बार फिर बोल रही हूँ, 1 जनवरी 2026 को डेटर ने टाइम बार जो लोन हो गया है उसके लिए 30 लाख अमाउंट देने का प्रोमिसरी नोट लिखा। पेमेंट कब कर देगा? 1 फरवरी 2026 को कर देगा डेटर। अगर 1 फरवरी 2026 को डेटर पेमेंट ना करे तो क्रेडिटर 2 फरवरी 2026 से 3 साल के अंदर सूट फाइल करने का राइट रखता है। जिसने ये सवाल पूछा था उसे क्लियर हो गई ये बात? यस और नो? जिस भी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था उसे अपना ये क्वेश्चन क्लियर? तो चलो मुझे बताओ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हमने कौन से
एक्ट के साथ कनेक्ट करके पढ़ा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हमने कौन से तीन एक्ट के साथ कनेक्ट करके पढ़ा? पहला लिमिटेशन एक्ट, दूसरा, एक तो लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा, दूसरा रजिस्ट्रेशन एक्ट, तीसरा, थर्ड कौन सा एक्ट यूज करा हम लोगों ने? प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, इनसे रिलेटेड सारे प्रोविजन कौन से एक्ट में बताए गए हैं? करेक्ट आंसर आया अंकित राव का। तो मैंने आपको एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी साथ में कवर किया, तो तीन एक्ट आपके कवर किए गए स्टूडेंट, पहला रजिस्ट्रेशन एक्ट, दूसरा लिमिटेशन एक्ट, तीसरा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन है, क्या कॉन्ट्रैक्ट का या एग्रीमेंट का राइटिंग में होना जरूरी है? क्वेश्चन है, क्या एग्रीमेंट का या कॉन्ट्रैक्ट जो है, एग्रीमेंट के बाद ही बनेगा, सबको पता है, क्या उसका राइटिंग में होना जरूरी है? दो आंसर आ रहे हैं, यस और नो। एक बच्ची ने रिप्लाई करा इन सम केसेस, महक गोयल कह रही है, महक गोयल का आंसर बिल्कुल सही था। जिन बच्चों ने रिप्लाई किया नो, उनका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है, यस वाले का आंसर गलत है। एक बात बताना, मैं आपसे पूछती हूँ, जस्ट अभी पूछती हूँ, ठीक है, आप लोग मुझे रिप्लाई करना। ये फोन है मेरे पास, ठीक है, अच्छा खासा गुड कंडीशन में है, 12,000 रुपए का खरीदा है मैंने। कब परचेज करा? एक हफ्ते पहले, रियली एक हफ्ते पहले ही मैंने परचेज करा, 12,000 का लिया है मैंने, ठीक है। और ये मोबाइल जस्ट मैं अभी अपनी मर्जी से, बिना किसी कोरिजन के, अपनी मर्जी से मैं 1,000 रुपए में बेचना चाह रही हूँ, सिर्फ 1,000 रुपए में, ठीक है। क्या कोई परचेज करना चाहेगा? मैंने ऑफर दिया है, क्या कोई परचेज करना चाहेगा? सिर्फ 1,000 में बेचना चाह रही हूँ, 12,000 का मोबाइल है। आप लोगों ने रिप्लाई दिया यस, क्योंकि हमारी क्लास इस तरीके से चल रही है, तो मैं देख रही हूँ यस लिख कर आ रहा है। तो देखो, मैंने ऑफर जो आप लोग को दिया है, क्या ये मैंने कोई राइटिंग में ऑफर दिया है? मैंने आप लोगों को कोई राइटिंग में ऑफर नहीं दिया है। आपकी तरफ से जो एक्सेप्टेंस भी आ रही है, वो भी आप लोगों ने तो खैर राइटिंग में लिखा है, चैटिंग पे लिखा है, मेरी बात आप समझ गए, ठीक है। आप लोग कैसे बोल सकते थे, मैंने फोन पे पूछा, फोन पे मैंने किससे बात करा, यहाँ पर आर्यन से बात कर ली, आर्यन से मैंने कहा कि आर्यन इस तरीके से मैंने एक फोन परचेज किया है, क्या आप परचेज करना चाहते हो? आर्यन ने बोला यस मैम, मैं परचेज करना चाहता हूँ। तो चलो मुझे बताओ, ये जो हमारे बीच में एग्रीमेंट बन रहा है, राइटिंग में बना या बाई वर्ड्स बना? एक वर्ड है रिकॉर्डिंग, और अगर मान लो फोन में रिकॉर्डिंग ना हो तो, ठीक है, तो बाई वर्ड्स बना, तो क्या वर्ड? बाई वर्ड्स बना। तो जिन बच्चों ने बोला था कि हमेशा राइटिंग में हो, ऐसा जरूरी नहीं है, आपका एग्रीमेंट आप एक्सप्रेस भी बना सकते हैं और इम्प्लाइड भी बना सकते हैं। आपने पढ़ा है एग्रीमेंट आपका एक्सप्रेस भी है और इम्प्लाइड भी है। एक्सप्रेस माने राइटिंग में और बाय वर्ड्स, और इम्प्लाइड माने बाय कंडक्ट, ठीक है। तो सेम चीज, आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। ऐसी कहीं पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसका राइटिंग में होना जरूरी है। पर कौन सा केस लॉ मैंने आपको बताया था जो ये कह रहा है? क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ उसका मुझे जस्टिफिकेशन करना है, तो आपको बताओ मैंने कौन सा केस लॉ बताया था जहां पे ये लिखा है कि आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या एग्रीमेंट कर रहे हैं उसका राइटिंग में होना जरूरी नहीं है, जब तक कि लॉ स्पेसिफिकली इसके लिए ना कहे। कौन सा केस लॉ मैंने बताया था? मैं करना चाहती हूँ किसने याद किया केस लॉ का नाम बताओ। मैंने लैंडमार्क जजमेंट पूछा है, केस लॉ का नाम बताओ। मैंने नाम पूछा बेटे, एक्ट का नाम नहीं पूछा, मैंने केस लॉ का नाम पूछा है आप लोगों से। तरसम सिंह वर्सेस सुखविंदर सिंह, जब करेक्ट आंसर आ गया नीरू ने, मैं बोल ही रही थी इससे पहले, सुखविंदर वर्ड उस बच्ची ने याद करके बता दिया था, सही आंसर है। तरसम सिंह वर्सेस सुखविंदर सिंह के केस लॉ में ऐसा कहा था। अच्छा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहां कहा था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आप लोग पढ़ ही रहे हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहां बोला गया था?
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहाँ बोला गया था? सेक्शन 54 में तो नहीं बोला गया। अंकिता ने सही बताया, सेक्शन 10 का पैराग्राफ नंबर 2। सेक्शन 10 का पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर कहा गया था कि भाई अगर लॉ कहता है तब तो आपको सेक्शन 10 के अंदर जो पैराग्राफ 2 है, लॉ कहता है तब तो आप उसको राइटिंग में लेकर आओ, अदरवाइज आपको उसे राइटिंग में लाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से, जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्या ये गुड इन सब्सटेंस है, यस और नो? क्या एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ या ना? सिर्फ इतना सा सवाल है। यस, बट ये इन्फोर्सेबल है या अनइन्फोर्सेबल है? पर ये इन्फोर्सेबल है या अनइन्फोर्सेबल है? वेरी गुड, अनइन्फोर्सेबल है। क्यों अनइन्फोर्सेबल है? क्योंकि क्यों अनइन्फोर्सेबल है, रीजन बताओ। आज ही बताया था जस्ट अभी। लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, ये लॉजिक तो सही नहीं है स्टूडेंट, ये लॉजिक सही नहीं है। सही रीजन बताओ, सम लीगल रीजन, किसी ने लिखा है सम लीगल रीजन, और कोई लॉजिक दे सकता है? और कोई इसके अलावा लॉजिक बता सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सेबल क्यों है? मैंने बताया था अभी आप लोग, क्योंकि अभी किसी ने यहाँ पे लिखा है इसमें लीगल कंप्लाइंसेस फुलफिल नहीं है, ये राइटिंग में नहीं है। कौन सा सेक्शन कहता था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइटिंग में होना जरूरी है? क्योंकि उसे हम क्या कराते हैं, रजिस्टर्ड कराते हैं, और बिना रजिस्ट्रेशन के हमारे पास उसका कोई एविडेंस नहीं आता। करेक्ट आंसर आ गया प्राची का, सेक्शन 17 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी का। स्टूडेंट, मेरे को आपको याद कराने के पीछे एक ही पर्पस था, चाहे हम थोड़ा पढ़ें पर उतना पढ़ें जितना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और ताकि आपको उसकी कनेक्टिविटी भी समझ में आ जाए। अदरवाइज आप अपनी क्लास में बैठ के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो पढ़ ही रहे हो ना, ठीक है? करेक्ट आंसर लिखा प्राची ने सेक्शन 17 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी में। फिर मुझे बताना प्राची और बाकी अदर स्टूडेंट भी, रजिस्ट्रेशन एक्ट का ही कौन सा सेक्शन है वो कह रहा है कि अगर आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड नहीं कराते हो तो आपके पास एविडेंस नहीं आएगा कि ये घर पीटर का है। इसके लिए भी मैंने आपको कौन सा सेक्शन याद कराया था? करेक्ट आंसर है अंकित का, बिल्कुल करेक्ट आंसर। हम लोगों ने इसके लिए कौन सा सेक्शन पढ़ा था? सेक्शन नंबर 49 पढ़ा था, ये लिखा देखो। तो आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व करी, हम जुडिशरी में जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो उसको वेरियस अदर एक्ट से कनेक्ट करती हैं। अभी तो हम सेपरेट सेपरेट अपना एक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम जुडिशरी में आ जाते हैं तो हम उसको हर सेक्शन को, जहां पे भी वो अदर किसी एक्ट के सेक्शन से कनेक्ट हो रहा होता है तो हम उसे वहां पे कनेक्ट करती हैं, ठीक है ना? तो ये आप लोगों ने एक तो रजिस्ट्रेशन एक्ट से समझ लिया 17 के 1 का बी, और आपको ये भी क्लियर हो गई बात अच्छे से कि आपको इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपके सारे एग्रीमेंट राइटिंग में ही हो, है ना? तरसम सिंह वर्सेस सुखविंदर सिंह के केस लॉ से भी पढ़ ली, और साथ में आपने रिवाइज भी कर लिया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 के पैराग्राफ नंबर 2 को भी आपने ध्यान कर लिया, ठीक है? एक और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? मुझे बताना कि यहाँ पे जो पीटर था उसके पास लोन लिया था उसने 40 लाख रुपए का, उसने जब लोन टाइम पर नहीं दिया तो क्रेडिटर सूट फाइल कर सकता है, तो क्रेडिटर किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड तक सूट फाइल कर सकता है? ये भी रिप्लाई करूं, ये करेक्ट आंसर है विदिन 3 ईयर। पर याद रखना सारे, आप ये मत सोचना हर मैटर के लिए सूट फाइल 3 ईयर्स के अंदर होगा, ऐसा नहीं है। लिमिटेशन एक्ट के अंदर इसके बारे में बताया गया है कि किस मैटर में कितने टाइम पीरियड के अंदर सूट फाइल किया जाएगा, क्लियर है? एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है साथ में, इसमें मैंने पूछा था किस डेट से, ड्यू डेट से या ड्यू डेट के बाद जो, यस अंकिता ने पूरा ही लिख दिया, 2 जनवरी 2022 से लेके 2 जनवरी 2025, बिल्कुल सही आंसर है हिमांशु, तो आपको ये भी याद हो गया है। अगर मान लो इसके बाद हम सूट फाइल नहीं कर पाए तो वो हमारा सूट फाइल करने का राइट खत्म हो जाता है, ये बात लिमिटेशन एक्ट के कौन से सेक्शन में याद कराई मैंने? ये बात मैंने लिमिटेशन एक्ट के कौन से सेक्शन में याद कराई? करेक्ट आंसर है सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग हम कोर्ट में जाके सूट फाइल नहीं कर सकते, पर क्या कोर्ट के बाहर अपना
जो हमने लोन अमाउंट दिया है उसे लेने का राइट रखते हैं, हाँ या ना? करेक्ट आंसर, अगर डेटर ने इग्नोरेंस में टाइम बार लोन के लिए कोई नया प्रॉमिसरी नोट लिखा तो वो वैलिड होगा, यस और नो? करेक्ट आंसर। अब देख लो, आप लोग खुद देख लो, सबके आंसर अब एक जैसे आने लग गए। जो ये नया प्रॉमिसरी नोट लिखा है टाइम बार लोन के लिए, ठीक है, तो ये हमारा विद कंसिडरेशन है या विदाउट कंसिडरेशन है? वेरी गुड, वेरी गुड, सब लोगों का बिल्कुल अब एकदम करेक्ट आंसर है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन कौन से ऐसे सेक्शन है जो ये कहते हैं कि विदाउट कंसिडरेशन भी एग्रीमेंट वैलिड होता है? सबका सही है, बिल्कुल सबका। अब दो आंसर नहीं आ रहे, एक ही आंसर आ रहा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऐसे मैंने कौन कौन से सेक्शन बताए थे जो ये कहते हैं कि विदाउट कंसिडरेशन भी एग्रीमेंट वैलिड होता है? प्रॉपर आंसर नहीं आया यहाँ पे। अंकिता, आप जो लिख रहे हो वो मैं समझ गई हूं, लेकिन मुझे प्रॉपर वर्डिंग में आंसर चाहिए। लिख के बताओ ऑल सबसेक्शन, अगर आप ऑल सबसेक्शन लिख सकते हो महक, तो फिर उसको बेटे मेरे को बताओ ऑल ने। तीन, वेरी गुड। और ये टाइम बार डेप्ट वाला कौन सा है? बिल्कुल सही आंसर है, तीन है। करेक्ट है आंसर रोहन का, पर ये जो टाइम बार डेप्ट वाला हम लोगों ने पढ़ा था ये कौन सा है? थर्ड, अंकिता को ये बात याद है। करेक्ट आंसर, तो 25 का सबसेक्शन 3 है। अंकिता का आंसर करेक्ट है, 25 का सबसेक्शन 3 है। एक और क्वेश्चन, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ये बात हमारी सेक्शन 25 में लिखी है। सेक्शन 25 भी हमारा ये कहता है के कुछ एक्सेप्शन है जो 25 के 1, 25 2, 25 3 में बताए गए हैं। मेरा क्वेश्चन है, क्या इनके अलावा भी कोई क्या अदर एक्सेप्शन है, यस और नो? मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछ लिया क्योंकि आप लोगों का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हुआ है, इसलिए पूछा मैंने आपसे सवाल। क्वेश्चन है बेटे देखो, सेक्शन 25 हमारा कह के चलता है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, पर सेक्शन 25 में ही तीन एक्सेप्शन है। 25 का सबसेक्शन 1 नेचुरल लव एंड अफेक्शन, 25 का 2 पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेस, 25 का 3 टाइम बार डेप्ट। क्या इन तीन के अलावा भी कोई अदर एक्सेप्शन है जो ये कहते हैं कि एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के वैलिड होते हैं? जल्दी रिप्लाई करो, यस नो कुछ भी रिप्लाई करो, मुझे तो आंसर देना है ना बच्चों, कुछ भी रिप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं। आर्यन ने कहा नो, अजय ने, नरेश ने, दीक्षा ने, सबने नो कर दिया। प्राची ने तो सेक्शन 10 लिख दिया, विपुल ने लिखा है यस। केवल एक विपुल है, नीरू है, विपुल नीरू ये दो बच्चे यस बता रहे हैं, और महक ने भी यस बताया है। तो अब मुझे जल्दी से बताओ, विपुल नीरू महक वानी, क्विक रिप्लाई करो कि कौन से एक्सेप्शन है जो सेक्शन 25 अलावा है जो कहते हैं कि एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के वैलिड है? उनके नाम भी बताओ मुझे। केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का केस लॉ पढ़ा है आप लोगों ने? केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का केस लॉ पढ़ा है आप लोग? तो फिर वाणी, विपुल जो भी लोग थे, इन्होंने यस क्यों लिखा? अगर आपने पढ़ा है तब तो यस लिखोगे ना। आंसर है यस, करेक्ट आंसर है। अब मैं बता रही हूं, गिफ्ट, चैरिटी, ये बिना कंसिडरेशन के हैं पर ये वैलिड है। गिफ्ट, एक्स ने वाई को बर्थडे पे एक गोल्ड की चेन गिफ्ट करी है, पर वो वाई से रिटर्न में कुछ नहीं मिला, ठीक है? करेक्ट आंसर आया हिमांशु, गिफ्ट। तो गिफ्ट भी आपका वैलिड है इसमें बिना कंसिडरेशन के है। दूसरा एग्जाम्पल आपका, यस रिया ने सही लिखा है, टू मेक टेम्पल वाला, इसका मतलब पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो चैरिटी,
डोनेशन, आंसर आने लग गया अंकित की तरफ से, डोनेशन, वेरी गुड। तो ये हमारे, तो जिन बच्चों ने नो लिखा था उनके लिए मैसेज है कि सेक्शन 20 सबसे 25 के सबसे 25 के सबसेक्शन 3 के अलावा भी कुछ अदर एक्सेप्शन है जहां पे बिना कंसिडरेशन के भी एग्रीमेंट हमारा वैलिड है। उसमें से मैंने कुछ फ्यू एग्जांपल्स के बारे में बात करी, एक गिफ्ट, दूसरा आप लोगों का चैरिटी के लिए मैंने बात करी। क्या एजेंसी भी विदाउट कंसिडरेशन हो सकती है, यस और नो? क्या एजेंसी भी विदाउट कंसिडरेशन हो सकती है, यस और नो? क्या एजेंसी भी विदाउट कंसिडरेशन हो सकती है, यस और नो? एक आंसर चाहिए, जल्दी बताओ। विपुल ने रिप्लाई करा है नो, अर्पिता ने भी नो। अच्छा एक बात बताओ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, मेरा सिर्फ इतने क्वेश्चन का आंसर है और कुछ भी नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो आप तो दोनों पार्ट पढ़ते हो या एक ही पार्ट पढ़ते हो, मुझे इतना रिप्लाई करना। केवल जनरल प्रिंसिपल पढ़ते हो आप लोग या स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ते हो? आप अपने सिलेबस में केवल जनरल प्रिंसिपल पढ़ते हैं या स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ते हैं? आप लोगों को इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, क्या ये आप नहीं पढ़ते अपने सिलेबस में? पढ़ते हैं, एक स्टूडेंट लिख रहा है पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, तो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि सेक्शन नंबर 185 के अंदर जब आप जाके पढ़ते हैं तो कंसीडरेशन नॉट नेसेसरी, देखो लिखा हुआ है। और जब आप सेक्शन 25 भी पढ़ रहे होंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तब भी आपको पढ़ाया जाता होगा और आप पढ़ते भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो सेक्शन नंबर 185 क्या लिख रहा है, कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी, बिना कंसिडरेशन के की गई एजेंसी भी वैलिड होती है। एक स्टूडेंट ने पूछा था व्हाट टाइप ऑफ एजेंसी, एजेंसी क्या होती है, मेरा क्वेश्चन है आप सबसे, एजेंसी क्या है भाई? एजेंसी, मैं हम लोग एजेंसी नहीं पढ़ रहे, मैं एक लाइन में बता रही हूँ। एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है और एक थर्ड पार्टी होता है। तो एजेंट किसके बीच में लिंक का काम करता है, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में काम करता है। तो ये जो एजेंट होते हैं ये वेरियस टाइप्स के होते हैं, यस एजेंट जो होते हैं ये वेरियस टाइप के होते हैं। जैसे आपने नाम सुना हो डेल क्रेडर, फैक्टर, ब्रोकर, ब्रोकर सबने सुना होगा, डेल क्रेडर, आप बात समझ गए ना। तो इस तरीके के ये एजेंट होते हैं, वार फिंगर, ये सब भी हमारे एजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ये लोग क्या लेते हैं, कमीशन लेते हैं। तो अगर मान लो कमीशन ले लिया तो आपका क्या हो गया, एक तरीके से कंसिडरेशन पर एजेंट बिना कंसिडरेशन के प्रिंसिपल के लिए काम कर सकता है और ऐसी एजेंसी वैलिड होती है, पर इसमें म्यूचुअल कंसेंट का होना जरूरी है। तो जब हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 25 तो 25 के एक्सेप्शन जब बताते हैं तो हम कहते हैं कि 25 का जो सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, 25 के सबसेक्शन 3 के अलावा भी अदर एक्सेप्शन हैं, जिसके अंदर आप लोगों के कौन कौन से आ जाते हैं। एक आपका गिफ्ट आ जाता है जिसे आप पूरा बोलते हैं कंप्लीटेड गिफ्ट, क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग उसके लिए, खाली गिफ्ट नहीं बोलेंगे, कंप्लीटेड गिफ्ट। दूसरा आ जाता है आप लोगों का चैरिटी आ जाता है। एक आप लोगों का जब बेलमेंट आता है तो बेलमेंट भी इसके अंदर कवर करते हैं हम लोग, आपने पढ़ा होगा ग्रेटिटुअस और नॉन ग्रेटिटुअस में हम लोग इसमें कवर करते हैं। एक आप लोगों का आ जाता है एजेंसी सेक्शन नंबर 185, 185 में आप देख रहे हो क्या लिखा है, कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी, बिना कंसिडरेशन के भी एजेंसी रिलेशनशिप वैलिड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने आज की इस क्लास में अब तक एक टॉपिक हम लोगों ने पिक करा था जिसमें हम लोगों ने कवर करा कि कब कब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कैसे कवर कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन लिमिटेशन के साथ और निगोशिएबल के साथ। उसी टॉपिक के चलते हुए मैंने आप लोगों को साथ में सेक्शन 25 के वेरियस एक्सेप्शंस के बारे में बताया था, जिसमें से दो तीन बच्चों ने करेक्ट रिप्लाई भी दिया था, ठीक है ना। तो ये 185 में लिखा है कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी। क्वेश्चन है मेरा बाप से, मैंने आपसे कहा था कि आज की क्लास में हम दो टारगेट रख के चलेंगे। पहला टारगेट था कि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे, मेरा पहला टारगेट कंप्लीट हो गया। दूसरा टारगेट था मेरा आपको कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ब्रीफ क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे या कुछ
जवाब पूछेंगे, ठीक है। एंड साथ में आपको ये बताऊंगी कि आपको अपनी स्टडी के बाद जुडिशरी के ऑप्शन या अदर ऑप्शन क्या हैं, और अगर आपका जुडिशरी का ऑप्शन आप फॉलो करते हो तो क्यों करते हो। देखो, तो सबसे पहले सेकंड टारगेट पे हम लोग सेक्शन 1 से 75 तक चल रहे हैं, ठीक है। इससे आपका एक क्विक रिविजन भी हो जाएगा फटाफट, ठीक है। तो चलो मुझे बताना आप लोग, सेक्शन नंबर 1 से लेके 75 तक, मैं आपको केवल, देखिए हमारे पास केवल 15 मिनट बचे हैं, तो 15 मिनट में कोई पूरा एक्ट या चैप्टर तो नहीं पढ़ा सकती हूँ, तो मैं तो केवल एक आपको ब्रीफ में ओवरव्यू, कुछ क्वेश्चन आंसर पूछते हुए चलेंगे, ठीक है। मेरा सिर्फ यहाँ पे इस चैप्टर नंबर 1 से है, और इससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। मेरा आपका चैप्टर नंबर 1 से है, ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाता है। मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानते हैं। केवल विपुल ने सही लिखा है, कम इन नॉलेज ऑफ अदर, अदर यानी जब किसकी नॉलेज में वो आ जाए, ऑफरी के नॉलेज में आ जाए, यानी ऑफरी के पास, सपोज हमने लेटर पोस्ट करा था, ठीक है, और ऑफरी के पास जिस डेट पे वो लेटर पहुंच जाएगा, हम मानेंगे उस दिन ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। तो 3 क्लास से रिप्लाई आए थे, पर जिसमें एक ही रिप्लाई सही था, विपुल का, केवल विपुल का, बाकी सबका गलत है। मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आप सबसे, आप मुझे बताना, आज मैंने वाई को अपना शॉप, दुकान बेचने का ऑफर दिया था, ठीक है, वो बाय लेटर दिया था, वो जो लेटर है उसके पास कब पहुंच रहा है, 1 दिसंबर को। एक्सेप्टेंस दे रहा है वो कब, 10 दिसंबर को, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है, ऑफर का कम्युनिकेशन किस डेट को कंप्लीट मानोगे। अब सही आंसर आया हिमांशु का, सिर्फ और विपुल ने पहले बताया था, तो जिन बच्चों ने 1 दिसंबर बताया उनका करेक्ट आंसर है, ऑफर का कम्युनिकेशन हम तब कंप्लीट मानते हैं जब उसकी नॉलेज ऑफरी के पास हो जाए। अगला क्वेश्चन है मेरा आपसे, यहाँ पे 10 दिसंबर को तो एक्सेप्टेंस दी जा रही है, एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट हो गया है, ठीक है, 1 दिसंबर को हमारे ऑफर का कम्युनिकेशन होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या एक्सेप्टेंस कंडीशनल हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, क्या एक्सेप्टेंस कंडीशनल हो सकती है। आंसर है नो, ये बात सेक्शन नंबर 7 में लिखी है, मैं आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिवाइज करा रही हूँ। आंसर है नो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, देखो ये लिखा है, तो जिन बच्चों ने आंसर यस दिया था उनका गलत है, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। अगर एक्सेप्टेंस कंडीशनल है तो बताओ क्या कोई एग्रीमेंट बन जाएगा। करेक्ट आंसर है विपुल का, करेक्ट आंसर है विपुल का, पढ़ते तो सभी हैं पर उसको समझना भी तो जरूरी है, तो आप ही की क्लास में देख लो, विपुल आप ही की क्लास में है और सही आंसर दे रहा है, काउंटर ऑफर बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, सेक्शन नंबर 7 के बारे में बताया, एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए। अगर हम लोगों ने एक्सेप्टेंस कंडीशन लगा के दी है तो वो आपका कोई एग्रीमेंट नहीं बनेगा, क्योंकि एग्रीमेंट में तो हमने क्या पढ़ा था, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, बल्कि यहाँ पे जो ऑफर आया था ओरिजिनल वो लैप्स हो गया और एक काउंटर ऑफर जाएगा ऑफरी की तरफ से, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 7 है ये आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं आपका चैप्टर नंबर 2 से पूछ रही हूँ क्वेश्चन, जरा मुझे बताना, क्वेश्चन है मेरा आप सबसे, कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है कि एग्रीमेंट करने वाला पर्सन मेजर हो, साउंड माइंड हो और क्वालिफाइड बाय लॉ हो। मैं आपके सामने सेक्शन भी लगाते हुए चल रही हूं, क्वेश्चन ध्यान से सुनो बच्चों। एक बच्चे का आंसर सही आ गया है, अंकित, अंकित ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, सिर्फ अंकित ने दिया है, एग्रीमेंट करने वाला पर्सन मेजर हो, साउंड माइंड हो एंड क्वालिफाइड बाय लॉ हो, ये 3 लोग कॉम्पिटेंट बताएं सेक्शन नंबर 11 में। तो मैं आपको बारीकी से बता रही हूं, जब आप सेक्शन 10 पढ़ते हो, जब आप सेक्शन नंबर 10 पढ़ते हैं, तो सेक्शन नंबर 10 के फर्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि एग्रीमेंट करने वाला पर्सन कॉम्पिटेंट होना चाहिए, बट अंकित ने अभी रिप्लाई करा है मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो जो पर्सन कॉम्पिटेंट है ये बात कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है, 11, कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है, 11, ठीक है। तो आप जब जुडिशरी में आते हैं तो आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है,
भी आप जो पढ़ रहे हो वहां पे भी सिर्फ सेक्शन की ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कोई भी चीज है तो आपसे पूछा जाएगा कि इसके एक्सप्रेस प्रोविजन या इसके सेक्शन कहाँ लिखे हैं। तो अंकित और नरेश दो स्टूडेंट का आंसर एकदम करेक्ट है। एक क्वेश्चन है मेरा आप सबसे, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोरिजन, मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे कहलाते हैं? दो ऑप्शन, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। फ्रॉड, कोरिजन, मिस रिप्रेजेंटेशन। मेजर स्टूडेंट में इसने काफी रिप्लाई सही किया है, वॉइडेबल। जिन्होंने वॉइड इस्तेमाल किया था वो गलत है, पर वॉइडेबल वाले सारे सही हैं। तो ये क्वेश्चन का रिप्लाई सही है। जरा मुझे बताना, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 के अंदर कहां बताया गया है? जरा मुझे बताना बच्चों, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, ये आंसर बिल्कुल सही है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 के अंदर कहां बताया है? करेक्ट आंसर है अंकिता का, बिल्कुल करेक्ट आंसर है रिया का और महक का भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं यहां से पूछ रही हूँ। वेजरिंग एग्रीमेंट मैंने ओपन कर दिया है, सेक्शन नंबर 24 से 30। तो इस तरीके से मैं आपका एक रिवीजन भी होता जा रहा है, ठीक है, और आप अपना खुद को भी एसेस कर पा रहे हो। सेक्शन नंबर 24 से 30 तक पूछ रही हूँ। वेजरिंग एग्रीमेंट ऑल ओवर इंडिया में वॉइड बताए गए हैं, कहां पे वेजरिंग एग्रीमेंट को इलीगल बताया गया? लेकिन प्राची ने रिप्लाई करा है गोवा, और कोई बताएगा? प्राची गोवा में कभी जाके देखना, वहां तो गैम्बलिंग वैलिड है। ठीक है, क्वेश्चन है मेरा आप सबसे, अच्छा वैलिडिटी बताया था मैंने, ये पूछा है कि कहां पे वेजरिंग एग्रीमेंट को ऑल ओवर इंडिया में वॉइड बताया है पर बाकी कहां पे उसे इलीगल बताया है। क्वेश्चन ये करते हैं फ्रेंड्स, मैंने सॉरी गलत क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये बताना कहां पे इलीगल बताया है, ऑल ओवर इंडिया में वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड है बट ऐसे कहां पे बताया जहां पे ये इलीगल है? महाराष्ट्र और गुजरात, ध्यान रखना महाराष्ट्र और गुजरात में वेजरिंग को इलीगल बताया गया है। क्या शेयर मार्केट, जब हम पढ़ते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट तो शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन होता है, बुल एक्टिविटी, बियर एक्टिविटीज, ये भी हम पढ़ते हैं जब यहाँ पे सेक्शन 30 के अंदर, क्या वो वैलिड है या वॉइड है? वो वैलिड है। विपुल ने रिप्लाई करा, नवीन ने रिप्लाई करा, ईशान ने रिप्लाई करा, वैलिड है, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या वेजरिंग और कंटिंजेंट एग्रीमेंट दोनों सेम होते हैं या डिफरेंस होता है? सही आंसर है बच्चों, बिल्कुल वेजरिंग और कंटिंजेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट एंड कंटिंजेंट और कॉन्ट्रैक्ट सेम है या डिफरेंट है? करेक्ट आंसर है विपुल का भी और अंकिता का भी, डिफरेंट है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? वैलिड होते हैं, ठीक है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमारे कैसे होंगे स्टूडेंट? वैलिड होंगे। जरा कोई मुझे बताएगा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेक्शन 34 क्या कहना चाहता है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेक्शन 34 क्या कहना चाहता है? सेक्शन 34 विपुल बताओ क्या कहना चाहता है? करेक्ट आंसर लिखा विपुल ने, बिल्कुल, इसका मतलब विपुल ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, राइट। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस, नेचुरल मेथड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कहलाता है? नेचुरल मेथड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कहलाता है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिवाइज करा रहे हैं और जो जो चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लग रही हैं थोड़ी बहुत वही मैं बता रही हूं अभी, और वो इजी भी है थोड़ी सी। नेचुरल मेथड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कहलाता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस?
मैंने हिंट भी दे दिया है, अब बताओ जल्दी सी, एक्चुअल परफॉर्मेंस या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस? करेक्ट आंसर है एक्चुअल परफॉर्मेंस। करेक्ट आंसर है नीरू का, प्राची का और विपुल का, काजल का, बिल्कुल करेक्ट आंसर है एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोमिजी जो डिवॉल्वेशन ऑफ ज्वाइंट राइट के लिए लिखा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं सेक्शन नंबर 45, इसको मैंने सेलेक्ट किया है, प्रोमिजी का राइट ऑप्शन दे रही हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिवाइज भी होते जा रहे हैं आप लोगों के। यहाँ पे प्रोमिजी का जो राइट होता है वो केवल ज्वाइंट होता है या ऑप्शन टू, ज्वाइंट और सेवरल होता है? ए ऑप्शन करेक्ट है या बी? केवल यहाँ पे हिमांशु जो भी नाम लिखा है उसका करेक्ट है, निशा का करेक्ट है, अजय का करेक्ट है, पुनीत का करेक्ट है, रिया का गलत है, सॉरी सॉरी, रिया का करेक्ट है, इस बार गलत हो गए विपुल आप। ठीक है, बाकी सारे बच्चे एकदम करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट से। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के अंदर अगर हम लोग बात करें तो अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के अंदर अगर एक लोन से ज्यादा हमने लोन लिए हैं एक ही क्रेडिटर से, तो उसको जब डेटर पेमेंट कम कर पाता है तो उसको बताने का राइट किसके पास है कि इस पेमेंट को अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाए? पहला राइट किसके पास है, डेटर या क्रेडिटर? पहला राइट किसके पास है, डेटर या क्रेडिटर? बस इतना क्वेश्चन है, सेक्शन 59 से पूछा है मैंने। करेक्ट आंसर आया, केवल एक स्टूडेंट ने गलत रिप्लाई किया था, बाकी सबका आंसर एकदम करेक्ट है, डेटर। ये क्वेश्चन मैंने आपसे सेक्शन 59 से पूछ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इसको रिवाइज करा रहे हैं जरा सा, क्या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? क्या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में लिखी है? ये तो सही है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना, लेकिन कैसे है इसी को अभी समझ रहे हैं। जरा मुझे बताना क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की क्या डेफिनेशन कौन से सेक्शन में लिखी? विपुल के अलावा और भी बाकी स्टूडेंट जरा बताओ। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन स्टूडेंट किसी भी सेक्शन में नहीं है, गलत आंसर है प्राची। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन किसी भी सेक्शन में नहीं है, बिकॉज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आपके कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था, बच्चे यही गलती करते हैं, तभी मैंने ये सवाल पूछा था आपसे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किसी भी सेक्शन नहीं है, बिकॉज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट, ना यहाँ पे ऑफर होता है ना यहाँ पे एक्सेप्टेंस होता है, आफ्टर दैट फिर भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज इट इज इम्पोज्ड बाई लॉ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, एंड इक्विटी प्रिंसिपल सेज दैट नो वन कैन एंजॉय ऑन अनदर मनी। ठीक है, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की बच्चों ध्यान में रखना किसी भी सेक्शन में कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ये रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि इसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं है, आप सभी जानते हैं, पर फिर भी ये वैलिड है बिकॉज इम्पोज्ड बाई लॉ होते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, एंड इक्विटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी किसी के पैसे पे एंजॉय नहीं करेगा। जो 68 से 72 बेटे प्राची आपने बताया है, ये आपके केवल क्या है, टाइप्स है, ये आपके क्या है बेटा, टाइप्स है केवल, सेक्शन 68 से लेके 72। नरेश अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो बेटा प्रॉपर लिखो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा बेटा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ये अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा, एक जनरल प्रिंसिपल का थोड़ा सा ब्रीफ में ओवरव्यू लिया, एक लास्ट और ले रहे हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बस मुझे इतना बताना, लिक्विडेटेड डैमेजेस और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में डिफरेंस, एक वर्ड में, लिक्विडेटेड डैमेजेस को एक वर्ड में लिखो और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस को एक वर्ड में लिखो। करेक्ट लिखा है अभिषेक ने, बिल्कुल करेक्ट लिखा है, डैमेजेस तो हमारी मॉनेटरी होती हैं, ये तो बिल्कुल सही लिख रहे हो, पर
पर मैंने आपसे पूछा था क्या अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो डैमेजेस होती हैं विच इज डिसाइडेड बाय कोर्ट, करेक्ट आंसर है रोहन का भी। एंड फिर लिक्विड डैमेजेस कौन सी होती है, फिर दोनों में डिफरेंस ही क्या हुआ। अभिषेक ने सही लिखा है, अभिषेक ने सही लिखा है विच आर डिफाइंड अंडर कॉन्ट्रैक्ट। लिक्विडेटेड डैमेजेस वो होती हैं जो पार्टीज डिसाइड करती हैं कॉन्ट्रैक्ट करते समय। अच्छा, आप लोगों ने मेरा यहाँ पे आप लोगों से इस तरीके से पूछने का दो फैक्टर थे, एक तो आपका रिविजन हो जाएगा और बाकी सब रिप्लाई करेंगे तो आप लोग खुद देख पाओगे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और हम उसको सुधार पाएंगे। तो आप ही की क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट ने सही रिप्लाई करा, बहुत सारे स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन का गलत रिप्लाई करा, तो अब आप इसको पढ़ लीजिएगा खुद से, ठीक है। तो आप ही की क्लास से काफी रिप्लाई सही भी आए थे और काफी रिप्लाई गलत भी हुए थे, तो इससे आपने चेक भी कर लिया और आपका रिविजन भी हो गया है। इस तरीके से बहुत ही ब्रीफ में रिविजन हुआ है, मैं ये नहीं कह रही इतने टाइम पे इतना ही हो सकता था स्टूडेंट बस, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है लास्ट जो आप लोगों ने मुझे फटाफट रिप्लाई करा था, डैमेजेस मॉनिटरी होती हैं, वो तो मैं आपसे पूछूंगी तब बताओगे क्या डैमेजेस का कोई एक्सेप्शन भी है जहां पे डैमेजेस मॉनिटरी नहीं होती, क्या डैमेजेस का कोई एक्सेप्शन भी है स्टूडेंट जहां पे डैमेजेस आपकी मॉनिटरी नहीं होती। वैभव, वैभव बिल्कुल सही लिख रहा है, इसका नाम बताओ किस हेडिंग में लोगे। जैसे आपने जब डैमेजेस पढ़ी होंगी, ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस, है ना, ये नाम पढ़े होंगे ना आपने, ये बताओ। डिफामेशन बिल्कुल सही है, मैं समझ गई हूँ, पर प्रॉपर कहाँ पे लिखोगे, किस हेडिंग के अंदर आपने पढ़ी थी। वैभव का आंसर 100% करेक्ट है ऑल स्टूडेंट, लेकिन बेटे इसको आपने किस हेडिंग में पढ़ा था ना। विपुल यहाँ पे आपका आंसर गलत आ रहा है बेटे, अब प्राची आपका भी गलत है, और कोई रिप्लाई, और कोई रिप्लाई, सबके आंसर गलत है। केवल जो डिफामेशन वर्ड बताया था वो केवल करेक्ट था, किसने बताया था मैं उसका नाम भूल गई हूँ, ठीक है, सभी का गलत है रिप्लाई, ठीक है। एग्जाम्पलरी और रिया बिल्कुल सही, रिया को आखिरकार याद आ ही गया, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आया, ठीक है। इससे पहले मैं बोलती कि रिया को याद आ गया, गुड बेटे। एग्जाम्पलरी डैमेजेस या फिर विंडिक्टिव डैमेजेस, राइट, एग्जाम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, सेक्शन 74 मत लिखो बेटे यहाँ पे, राइट, एग्जाम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस हम लोग बोलेंगे। तो एग्जाम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस ऐसी डैमेजेस होती हैं जो एक्सेप्शन है जहां पे डैमेजेस हम मॉनिटरी क्लेम नहीं करते हैं, ठीक है। कौन कौन से मैटर्स हैं जिसमें एक बच्चे ने रिप्लाई करा था डिफामेशन, अगर कहीं हमारी गुडविल खराब होती है, तो जब हमारी गुडविल खराब हो रही है तो गुडविल को हम मॉनिटरी कंपनसेट कर लेंगे, तो क्या गुडविल हमारी वापस आ जाएगी, हम उसे पनिश करवा सकते हैं। आता है और इमोशन को भी हम मॉनिटरी कंपनसेट नहीं कर सकते, तो इन दोनों ही सिचुएशन में हम उसको क्या करवा सकते हैं, पनिश करवा सकते हैं, तो ये एक्सेप्शन हो गए। अदरवाइज जो हमारी डैमेजेस हैं स्टूडेंट वो मॉनिटरी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक थोड़ा सा ब्रीफ में एक क्विक रिविजन लिया था जनरल प्रिंसिपल का, सेक्शन 1 से लेके 75 तक। हमारी क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, क्लास के टाइम के ओवर होने पे बस मैं आप लोगों को यही पूछना चाहूंगी, क्योंकि मेरा तीसरा टारगेट था कि आप लोगों को पढ़ने के बाद, सॉरी, आप लोगों की स्टडीज कंप्लीट होने के बाद आपके पास क्या कैरियर ऑप्शन और क्यों। अब मेरा एक और क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने पार्टिसिपेट करा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के लिए भी, पार्टिसिपेशन के लिए भी। बस लास्टली बस मुझे इतना और बताओ आप लोग कि इतना सा बस मुझे, ठीक है, एनर्जेटिक वाली बात सारी बातें सब अच्छी है, लेकिन बस मुझे लास्ट एक और बात बताओ कि आप लोग अपनी स्टडी के बाद क्या चाहते हो, जॉब या बिजनेस। एक बच्चे ने फर्म बोला है, एक बच्चे ने जुडिशरी बोला है, एक बच्चे ने जॉब बोला है, एक ने प्रोफेशन बोला है, एक ने बिजनेस बोला है, ठीक है। अच्छा,
बहुत सारे बच्चों ने तो जुडिशरी बोल दिया। अच्छा, जो बच्चे जॉब चाहते हैं यानी कि उनका जुडिशरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, जिनका जुडिशरी में इंटरेस्ट नहीं है, मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ, देखो कभी भी मैं कोई यहाँ पे चीज कोई इम्पोज नहीं की जा रही, यहाँ पे तो सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना होता, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की बात है। कुछ बच्चे अपना बिजनेस करना चाहते हैं, सब अच्छा है, जॉब भी अच्छी है, आप कोई जुडिशियल सर्विस में जाना चाहता है वो भी अच्छा है, बिजनेस कर रहे हो वो भी बहुत अच्छा है, कोई बुराई नहीं है किसी भी चीज में, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। पर जो बच्चे जुडिशरी में आना चाहते हैं, कोई कॉरपोरेट लॉयर, बिल्कुल बढ़िया, गुड, वेरी गुड। लेकिन मैं अब जो बोल रही हूँ उन स्टूडेंट के लिए बोल रही हूँ, जो बच्चे जुडिशरी में आना तो चाहते हैं, ठीक है, पर वो इस फियर से नहीं आ रहे कि जुडिशरी डिफिकल्ट है। तो बस ये मैसेज उनके लिए है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, जुडिशरी बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। बस उसमें दो चीजें आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए, एक तो आपको प्रॉपर गाइडेंस, दूसरा आपको पूरे सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप, तीसरा आपका कॉमन सेंस भी साथ में काम करना चाहिए, और फोर्थ आपका लक भी, ठीक है। 1 साल का टाइम है आपके पास, 1 साल के टाइम में आप अपना जुडिशरी के लिए, उन बच्चों के लिए सिर्फ जो जुडिशरी में आना चाह रहे हैं पर डर के मारे नहीं आ रहे, चाहते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, वो अपना अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, अपनी फील्ड में जॉब है, ठीक है। क्योंकि जुडिशरी से आपको पैसा भी मिलेगा, पावर मिलेगा और रेस्पेक्ट भी मिलेगा, इतना सा ही बस मैं शॉर्टकट में मैसेज देना चाहती हूँ। चलिए मैं अपनी क्लास यहीं पे स्टॉप करूंगी, आपको मुझसे कोई क्वेश्चन या डाउट या क्वेरी कुछ भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपका किसी से मुझसे कोई डाउट है कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं क्लास यहीं पे स्टॉप करूंगी, फिर मैं एज्यूम करके चल रही हूँ किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी कोई डाउट नहीं पूछना है। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।